तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं मालदीव में हूँ और ये जगह है ड्यूफिशी आइलैंड। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था हम मालदीव पहुँचे थे। मालदीव की जो कैपिटल है माले, वहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ से फिर हम यहाँ पर आए थे ड्यूफिशी आइलैंड। और उसके बाद में मैं काफ़ी थक गया था तो मैंने वीडियो को वहीं ख़त्म कर दिया था। तो आज दूसरा दिन है और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे हम। और ये जगह ड्यूफिशी आइलैंड है, जो कि एक छोटा सा टापू है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना छोटा है। वैसे यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन जो धूप है वो ऐसा लग रहा है जैसे 12-1 बजे की धूप है। ये मेरा रूम है जो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में, और काफ़ी सही रूम है, अच्छा रूम है, सब कुछ सुविधा है। यहाँ पर लॉकर है, फ्रिज है, उसके अलावा ये गर्म पानी की केतली है। बाकी ये नज़ारा बेस्ट है रूम से, जो ये व्यू दिखता है ना जहाँ पर मैं अभी खड़ा था, ये वाला देखो आप, बहुत ही शानदार लोकेशन है। तो ये मालदीव का टूर मैं गोल्ड टूर एंड ट्रैवल्स के साथ कर रहा हूँ, और इंडिया में कोची में इनका हेड ऑफिस है, बेंगलुरु में भी ऑफिस है, और मालदीव की कैपिटल माले में भी ऑफिस है। तो अगर आपको इस टूर से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप मालदीव का टूर बुक करना चाहते हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उनका सारा जानकारी, सारा कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप चेक कर लेना। तो अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं और आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। ये रिसेप्शन है होटल का, बीच हाउस ड्यूफिशी लिखा हुआ है। होटल का नाम फिलहाल बीच हाउस है, लेकिन इसका नाम बदलने वाला है, इसका नाम होने वाला है सी होटल। और ये यहाँ का लॉबी है नीचे का, यहाँ पर ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह होता है, और सामने सारी बेंचेस लगी हुई है देखो आप। तो बहुत अच्छा लोकेशन है, सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, जब हम यहाँ पर बैठते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया लगता है, एकदम अच्छा व्यू देखने को मिलता है। देखो आप, पूरा समुद्र है, नीला नीला पानी दिखता है। अभी पानी कम है क्योंकि सुबह का समय है, शाम को पानी यहाँ तक आता है, इस जगह तक बिल्कुल पास में। सामने वहाँ पर वो प्राइवेट बीच है जहाँ पर सारे रिसॉर्ट वगैरह है। मालदीव में टोटल 1200 आइलैंड है, उसमें से 1000 आइलैंड प्राइवेट है जहाँ पर कोई बस्ती नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं, और 200 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ड्यूफिशी आइलैंड उसमें से एक है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं लेकिन काफ़ी कम लोग है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये आइलैंड है छोटा सा, और मेरे ख्याल से 200-300 लोग यहाँ पर रहते होंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। गुड, तो ब्रेकफास्ट कराएंगे आप? हाँ, यहाँ पर करें बैठ के इधर? हाँ, बैठ जाइए। हाँ, हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोम। सोम, कहाँ से सोम आप? दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग से, वेरी गुड, हाथ मिलाइए। तो ये सोम है, यहाँ के होटल के स्टाफ है, और ये दार्जिलिंग से है। तो सोम, बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट कराइए फटाफट, काफ़ी भूख लग रही है। ओके, आप बैठ जाइए। हाँ, तो बैठते हैं यहाँ पर, ब्रेकफास्ट करते हैं। व्यू टॉप का आता है यहाँ से, बहुत बढ़िया व्यू है। और इस ड्यूफिशी आइलैंड की फ़िलहाल मुझे खासियत ये लगी कि ये एकदम पीसफुल आइलैंड है, यहाँ पर एकदम पीस है, साइलेंट है। यहाँ पर आपको शोर शराबा, पार्टी वगैरह वो सब नहीं मिलेगा। अगर आपको पीस चाहिए, आपको रिलैक्स करना है, तो बेस्ट जगह है ये। तो ये ब्रेकफास्ट है, ये आलू पराठा होता है, उसी तरह से रोटी के अंदर में आलू स्टफिंग किया हुआ है, ये टोस्ट ब्रेड है, और ये राजमा है, साथ में कुछ रोटी है, और ये ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए बटर और जैम है, और ये है मैंगो का जूस। एक बार को तो ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठकर पूरा दिन बिता लें, क्योंकि बैठने की जगह बहुत अच्छी है, अरेंजमेंट अच्छा है, सामने समुद्र है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, धूप में जाने का मन नहीं कर रहा है। हमारी चाय भी आ गई। यहाँ पर गेहूँ यूज़ नहीं होता है, ये लोग मैदा यूज़ करते हैं सब में। देखो आप, ये रोटी भी मैदे की है, और इस तरह की पतली रोटी होती है, ऐसी रोटी होती है यहाँ। तो मैं मैदा खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर खाना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया, दबा के ब्रेकफास्ट कर लिया, और ब्रेकफास्ट अच्छा था। बाकी यहाँ पर एक शॉप है होटल के पास में, अंदर चल के देखते हैं। हेलो, तो
तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह हैं, कपड़े हैं, उसके अलावा शोपीस है, और इस तरह से ये हैंगिंग की आइटम है सारी। ये मैग्नेट है, हाँ ये सारे मैग्नेट है। इसका क्या प्राइस है? $20 मालदीव की जो करेंसी है वो रुपया है। हमारे इंडिया में रुपया चलता है, यहाँ पर रुपया है, और एक रुपया इंडिया के 5 रुपये के बराबर है, तो मालदीव 5 गुना महंगा है भारत से। थैंक यू। होटल के सामने से तो मैंने आपको व्यू दिखाया है, यहाँ से यहीं पर हमने ब्रेकफास्ट किया है, और यहाँ पर ये वाटर स्पोर्ट्स होता है। देखो आप सारे ये इनके सामान पड़े हुए हैं, और ये एक झूला लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया। तो मैं झूले में झूल रहा हूँ अच्छे से बढ़िया से। देखो आप चारों तरफ का नज़ारा भी आपको दिखेगा, क्योंकि झूला गोल गोल घूम रहा है। ये भी एक रेस्टोरेंट है, पीछे की तरफ में होटल है, और वाटर स्पोर्ट्स भी होता है यहाँ पर, सब लिखा हुआ है, रेट वगैरह वो भी जानेंगे हम। तो यहाँ से भी सुंदर दिख रहा है। अभी पानी थोड़ा पीछे है क्योंकि सुबह का समय है, शाम को पानी यहाँ तक आ जाएगा तब और अच्छा दिखेगा। यहाँ पर धूप बर्दाश्त से बाहर है, बहुत ज़्यादा धूप है। थोड़े से बादल आते तब थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन धूप बहुत तेज है। तो राशिद के साथ चलते हैं आइलैंड के सफर पर, चलो। तो काफ़ी छोटा सा आइलैंड है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का है। हमने आइलैंड का हाइलाइट्स देखा। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये यहाँ का पावर प्लांट है, यहाँ पर 24 घंटे जनरेटर चलता रहता है, यहीं से बिजली बनती है और पूरा आइलैंड में सप्लाई होती है। और ये जो आप देख रहे हो ये वाटर फिल्टर प्लांट है, वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर समुद्र का खारा पानी पीने लायक बनाया जाता है। ये देखो, वाह कितनी सारी मछलियाँ हैं, कलरफुल। तो ये देखो, ये आइलैंड का छोटा सा जिम बना हुआ है, सारी मशीनें लगी हुई है एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पर एक पेड़ है, और इस पेड़ में इस तरह के काफ़ी सारे फ्रूट लगे हुए हैं, तो कहते हैं कि ये फ्रूट खा सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फ्रूट है। कुछ कुछ एप्पल जैसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रस है। तो मैंने पीछे लोकल से पूछा इस फ्रूट का नाम, तो इन्होंने बताया इसको जम्ब्रोलू कहते हैं। तो ये जम्ब्रोलू फ्रूट है, और मैंने एक खाया, मैं और खाऊंगा एक। तोड़ते समय भी नीचे गिर जाता है, देखो आप। तो ये फ्रूट जम्ब्रोलू है, मैंने आपको बताया, लोकल से पूछा मैंने। तो बहुत अच्छा स्वीट फ्रूट है, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, अगर आपको प्यास लगती है तो आपकी प्यास बुझ सकती है। तो जम्ब्रोलू खाया, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो नारियल एकदम पीले पीले। तो ये है बैंक ऑफ मालदीव्स, यहाँ पर बैंक का ATM है। ये यहाँ का हॉस्पिटल है डिफूसी आइलैंड का। ये स्कूल है, देखो आप। ओ, इतनी कम जगह में इन्होंने सब कुछ बना के रखा है, स्कूल हॉस्पिटल सब है देखो, और अच्छा है। और ये है यहाँ का मार्केट, डेली गो इसका नाम।
इस तरफ में आपको सामने किनारा दिख रहा होगा, ये आइलैंड का एक छोर है, और इस तरफ में आपको किनारा दिखेगा आगे दूर, ये आइलैंड का दूसरा छोर है। इन दोनों के बीच में आइलैंड है, ऐसे चौड़ा कम है, लंबा थोड़ा ज़्यादा है। तो करीब 1 से 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ आइलैंड है जो मैंने आपको बताया। छोटा सा है लेकिन प्यारा आइलैंड है, और अच्छे लोग हैं यहाँ के, शांत लोग हैं, और यहाँ पर सारी सुविधा है, स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ मैंने आपको बताया। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, अच्छा डेवलप किया है। थैंक यू। तो ये सुपर स्टोर है डिफ्यूशी आइलैंड का, तो छोटा सा अच्छा स्टोर है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और मैंने एक पानी की बॉटल ली है ये पता करने के लिए कि क्या प्राइस है। तो ये 3 रुपया की है, मतलब इंडिया का 15 रुपया, तो काफ़ी सही रेट है। यही बॉटल मैंने माले से ली थी एयरपोर्ट के बाहर से, वहाँ पे मुझे $3 की पड़ी थी। लो पानी पियोगे? पी लो, गर्मी बहुत है यार, पानी पीना चाहिए। गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोपहर में कोई बाहर नहीं निकलता है। मैंने सोचा मैं आपको आइलैंड का एक टूर करवा दूँ, उसके बाद में शाम को हम बीच पे जाएंगे। तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होता है, सामने रेट वगैरह लिखा है, देखते हैं। हेलो, यहाँ से पता करते हैं क्या क्या एक्टिविटी होती है और क्या चार्जेस हैं। हेलो, वाटर एक्टिविटी, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर यू लुकिंग फॉर? आर यू इंडियन और लोकल? ऑब्वियसली आई एम इंडियन। अच्छा, आप इंडियन हो, वेरी गुड, तो अच्छा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपनी भाषा समझ जाएंगे ये। तो इनसे पूछते हैं क्या क्या एक्टिविटी होती है और क्या चार्जेस वगैरह है। दीज आर एक्टिविटीज। अच्छा, ये सारी एक्टिविटी है क्या? Yes. तो काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जाती है, आप देखो इतना सब लिखा हुआ है। सनसेट फिशिंग है, डॉल्फिन क्रूज है, पैरासेलिंग, सॉल्टी एडवेंचर। कौन सी एक्टिविटी मॉर्निंग में होती है और कौन सी इवनिंग में होती है? मॉर्निंग में यूजुअली सैंड बैंक और स्नॉर्कलिंग होती है। अच्छा, एंड इवनिंग में सनसेट फिशिंग एंड डॉल्फिन क्रूज। सो ये जो आप देख रहे हो ये शेड्यूल्स है। अच्छा, ये शेड्यूल आपने लगाया हुआ है यहाँ पे? यस, वो डिफरेंट डेट्स है एंड दीस आर डिफरेंट एक्टिविटीज। थैंक यू, यू आर वेलकम। तो वाटर एक्टिविटी और सारी एक्टिविटी का प्राइस हमने पूछा यहाँ पर, और क्योंकि मालदीव है तो महंगा ही होगा, इतना सस्ता तो होने वाला नहीं है। पैरासेलिंग यहाँ पर $80 का है नॉर्मल वाला, तो आप उससे अंदाज़ा लगा दो, लगभग 6,000 के आसपास। बाकी कायकिंग है, जेट स्की है, वो सारा $20, $30, $40 इस तरह से है। और स्कूबा डाइविंग जो नॉर्मल वाला है वो $80 का है। तो अभी हम यहाँ पर पैडल बोट और कायकिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी हम यहाँ से कायकिंग के लिए जाएंगे और पैडल बोट भी करेंगे। हालांकि धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि शाम को हमें बीच विजिट करना है, तो चलते हैं। तो इस तरह से हमें करना है, ट्राई करेंगे। ठीक है ब्रो, डन, ट्राई करते हैं। बैलेंस बनाना मुश्किल है वैसे। Kayaking is good for me, not paddle board. तो मैं kayaking करके आ गया हूँ, बोट लेके जा रहे हैं भाई, लाइफ जैकेट निकाल देते हैं,
धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा परेशानी होती है, बाकी मज़ा आता है पानी में। तो मैं वैसे भी भीग चुका हूँ, तो थोड़ा सा पैदल पैदल मैंने सोचा अंदर घूम लेते हैं नज़दीक नज़दीक में, क्योंकि पानी ठंडा ठंडा लग रहा है नीचे, ऊपर काफ़ी तेज़ धूप है। तो बैठ गया मैं अंदर, देखो आप। ये रेत है यहाँ की एकदम वाइट, और यहाँ की रेत कोरल से बनी हुई है जो समुद्री चट्टाने होती है, इसलिए एकदम सफ़ेद होती है। तो मुझे तो ऐसे बैठने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है पानी के अंदर। पूरा शरीर गर्म हो गया था धूप से, तो थोड़ा ठंडा कर लिया। अभी थोड़ी देर में बाहर चलते हैं और लंच करते हैं। तो फ्रेश होके नीचे आ गया शॉवर लेके, काफ़ी अच्छा रहा काइकिंग का एक्सपीरियंस। और पैडल बोट बहुत ख़तरनाक थी, मेरे से बैलेंस ही नहीं हो रहा था उसका, वो पैडल भी टूट गया बोट वाले का। और बाकी मज़ा आया, हर खाली धूप ज़्यादा थी वो दिक्कत थी, बाकी पानी एकदम साफ़ है यहाँ का, बिल्कुल क्लियर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। तो ये लंच है, राइस है, मटर प्याज की सब्ज़ी है, ये आलू की सब्ज़ी है, और ये पम्पकिन है, और साथ में सलाद है। तो सिंपल लंच है, मैंने इनको बोला था सिंपल करूँगा मैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी किया था। मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसीलिए सिंपल खाना खा रहा हूँ, और मुझे सिंपल ही खाना पसंद है। और अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको स्पेशल कुछ खाना है मालदीव में, तो आपको चॉइस नहीं मिलेगी, सिंपल दाल चावल, दाल भी नहीं मिलेगी अपनी वाली, वो भी अलग होती है दाल करी इनकी, वो मिलेगी, राइस मिल जाएंगे सिंपल, और ये इस तरह की सब्ज़ी मिल जाएगी आलू की, और ये इस तरह की जो भी सिंपल सब्ज़ी है, पनीर यहाँ पर नहीं मिलता है। तो वेजिटेरियन के लिए चॉइस कम है यहाँ पर बहुत, अगर आप नॉनवेज खाते हो या फिश खाते हो सी फूड खाते हो तो आपको बहुत चॉइस मिलेगी। तो खाना खाने के बाद मैं सीधा सो गया, 2 घंटे में सोया और अच्छी नींद आई। गर्मी बहुत तेज़ थी तो थोड़ा थक गया था, और काइकिंग वगैरह भी किया था तो हाथ वाथ चप्पू चला के थोड़े से दर्द कर रहे थे, तो अच्छी नींद आई। और अभी इस वक्त लगभग 4:30 बजे हैं, तो अभी हम नीचे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बीच विजिट के लिए। तो अभी देखो पानी और ज़्यादा बढ़ गया है, सुबह में वहाँ पानी था और अभी यहाँ तक पानी आ गया है, और ये पानी यहाँ तक आ जाएगा थोड़ी देर में। ये प्यार प्यारा प्यारा तोता है देखो यहाँ पर। हेलो, अरे वाह, इसको हेलो बोलते तो ये सर हिलाता है, देखो हाय हाय भी बुलाए। तो यहाँ पर सामने बीच है, और ये हमारी होटल से बिल्कुल पास में है, लगभग 200 मीटर का गैप है, तो एकदम पास में है। तो देखो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, पानी एकदम साफ है, ब्लू पानी है, देखो आप। तो ये जो आप देख रहे हो ये बिकिनी बीच है, इस तरफ में ये सारे रिसॉर्ट और होटल वगैरह है, तो यहीं पर स्टे करते हैं टूरिस्ट। और बिल्कुल सामने ये बीच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सामने वहाँ पर जेटी है, जो भी बोट वगैरह आती है वो यहाँ पर आती है, हम भी कल यहीं पर आए थे।
तो ये बीच हमने देखा, एकदम सुंदर बीच है ये और एकदम वाइट सैंड है यहाँ पर। मालदीव की स्पेशलिटी यही है, यहाँ की जो सैंड है वो एकदम वाइट है क्योंकि यहाँ की सैंड कोरल से बनी हुई है। तो यहाँ पर झूला लगा हुआ है, सुबह हम आए थे यहाँ पर। आई लव डिफूसी। तो झूले का मजा ले रहे हैं। तो अभी हम जिस बीच पर जा रहे हैं वो एकदम नेचुरल है, काफ़ी अच्छा रास्ता है। देखो आप, यहाँ से हम सनसेट भी देखेंगे, एक तरह से ये सनसेट पॉइंट भी है। देखो आप कितना बढ़िया है। तो कुछ ऐसा बीच है। सनसेट का व्यू बहुत प्यारा दिखने वाला है यहाँ से। अभी थोड़ा टाइम है सनसेट में, थोड़े बादल है इस वजह से थोड़ा अंधेरा है। ये आइलैंड है सामने जो आपको दिख रहा है, वहाँ से हम चलते चलते यहाँ तक आए हैं। तो ये एक तरह से सैंड बैंक है, यहाँ पर अभी थोड़ा पानी आ गया लेकिन आगे तक थोड़ा जा सकते हैं। और नज़ारा एक नंबर है, देखो आप ऑसम व्यू। मैं आ गया हूँ होटल पर और करीब 8 बज चुके हैं रात के, और अभी मैं डिनर करने वाला हूँ। तो डिनर मंगवा लिया है, सिंपल सा खाना है। मैंने आपको बताया वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा चॉइस नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल खाना होता है। ये रोटी है मैदे वाली, ये राइस है येलो राइस, और ये मिक्स वेजिटेबल सब्जी है। तो डिनर फिनिश करके मैं रूम में आ गया हूँ और अभी लगभग 9 बज गए हैं। भारत में इस वक्त 9:30 बजे हैं, आधे घंटे का फ़र्क है। और ये मालदीव की ट्रिप मैं गोल्ड टूर एंड ट्रैवल्स के साथ कर रहा हूँ, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको इस तरह का पैकेज बुक करना है मालदीव का, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का दिन खत्म होता है, कल हम नई शुरुआत करेंगे। कल हम यहाँ से जाएंगे थुलुस्तू आइलैंड। सुबह लगभग 10:30 बजे की हमारी बोट है, स्पीड बोट। यहाँ से 15-20 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में। तो कल हम नया वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आओ जो